तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल रिंग। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ क्लोथ। आज मैं क्लोथ शेडिंग करके दिखाऊंगा कि क्लोथ कैसे शेडिंग करना है, और अब अच्छे से ऑब्जर्व करना कि मैं कैसे शेडिंग करता हूँ, तो ये आपको कुछ समझने को आएगा। और गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखना। और गाइस, मेरा एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, अभी मैं दे रहा हूँ फर्स्ट लेयर, और फर्स्ट लेयर में इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग को डार्क कर दे तो फिर आप अच्छे से हाईलाइट दे नहीं पाएंगे। और फर्स्ट लेयर जितना हो सके काफ़ी लाइटली दो, और फिर जितना हो सके आप लेयर लगा के ये शेडिंग का डार्कनेस बढ़ाओ, और तो ये आप अच्छे से इरेज और हाईलाइट दे पाएंगे।
और गैस मैं ब्लेंडिंग के लिए कॉटन बार्स और पेपर स्टाम्प यूज़ कर रहा हूँ। और आप जो पेपर स्टाम्प देख रहे हैं वो है होममेड और ये मैंने खुद ही घर पे बना लिया। आप चाहे तो बना सकते हो। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हाउ टू मेक पेपर स्टाम्प तो आपको अवेलेबल वीडियो मिल जाएगा। और गैस फाइनली मेरा आर्ट वर्क कम्प्लीट हो चुका है। देख सकते हो अभी कुछ ऐसी लग रही है। और गैस ये मेरा सेकंड ट्यूटोरियल वीडियो है और आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके देना और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड आज के लिए इतने, तब मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।